नमस्कार, आज मैं आपके लिए लाया बहुत ही फेमस रेसिपी मुगलई आलू। जी हाँ, इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप भी बहुत कम समय में एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये बनता है मुगलई आलू का सीक्रेट घोल, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको इसे भली भांति सिखाऊंगा, बताऊंगा। शायद आपने भी कभी बनाया होगा, परंतु अगर आप मेरी तरह से बनाते हैं तो ये बनता है अति स्वादिष्ट। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन दबा दें। मैंने 10 आलू बॉईल कर लिए थे, 10-12 आलू, और इस तरह से इन्हें काटना है। तो आप भी इन्हें इस तरह से काटें। हम फटाफट बनाएंगे इस सब्जी को, और आलू हमारे बॉईल हैं तो इस तरह से आप आलू काट लें। अब हम बनाएंगे इसका घोल। तो इसमें डालेंगे सबसे पहले दही। तो मैंने 4 से 5 चम्मच दही इसमें डाला है, और अब डाली है लाल मिर्च, ये कुटी हुई लाल मिर्च है। इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी, और अब मैंने डाला है यहाँ पर नमक, और धनिया पाउडर इसमें डाल देते हैं, और थोड़ा सा किचन किंग मसाला। इसके अलावा कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। अब इसमें जाएगा टॉप सीक्रेट थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी चीनी आपको ले लेनी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करें। आप इसे इस तरह से मिक्स करें। और इसका एक और टॉप सीक्रेट है, वो है कच्ची घानी सरसों का तेल। तो पहले हम डालेंगे देगी लाल मिर्च, और अब डालेंगे कच्ची घानी सरसों का तेल 1 चम्मच। अब इसे इसे आप मिलाएंगे ना तो इसका रंग बहुत अच्छा आएगा। इसका रंग जो है ना बहुत मस्त आने वाला है। अभी आप देख लीजिए, ध्यान से देखें, इसे बहुत ही अच्छा रंग इसका आएगा। तो इसी तरह से आप बनाएं, झटपट बनेगी। मेरे को इसको बनाने में 4 मिनट भी नहीं लगे, है ना। तो 4 मिनट से पहले पहले बनने वाली रेसिपी है ये। ये देखिए, मैंने इसमें पानी डाल दिया है। जितना पानी आपको रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें, और हमारा घोल हो गया है तैयार। तो चलिए लगाते हैं तड़का। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है सरसों का तेल, और अब मैं इसमें डालूंगा जीरा। तो जीरा डालने के बाद थोड़ा सा इसमें डालें कसूरी मेथी, और इसके बाद घोल डाल देंगे। कोई प्याज नहीं, टमाटर नहीं, कोई कुछ इसमें जाने वाला नहीं है। ये देखें आप, इतना बढ़िया रंग इसका आया है। वाह भाई वाह, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बन रही है। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वाह भाई वाह। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च। आप अपने हिसाब से डालें, तो हमें थोड़ा तीखा पसंद है तो मिर्च मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब इसका है टॉप सीक्रेट बादाम। तो बादाम को आपको इस तरह से क्रश कर लेना है और इसमें डाल दें। तो इस तरह से अगर आप इसमें बादाम डालेंगे ना, तो जब आप इसको खाएंगे तो मज़ा ही कुछ अलग आने वाला है इसका। और इसको ग्रेवी में आलू को सिर्फ 2 मिनट पकाना है। तो आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं। 2 से 3 मिनट आप इसे पकाएं ग्रेवी के साथ, और आपका मुगलई आलू है बनके तैयार। वाह भाई वाह, बहुत ही शानदार बेस्ट रेसिपी। बच्चे भी इसे बहुत चाव से खाते हैं, ये अति स्वादिष्ट होती है। मैंने इसको ढक दिया है 3 मिनट बाद। ये देखिए, बहुत ही शानदार कलर इसका बहुत अच्छा आया है। तो इसी तरह की बेहतरीन रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और देखते रहें USC कुकिंग किंग, आपका अपना चैनल। तो चलिए इसको निकालते हैं सर्विंग बाउल में। आप इसका रंग देखिए कितना अच्छा आया है। और मैं इसमें एक्चुअली धनिया लगाने वाला था, परंतु मैंने लगाया नहीं, मैं सिर्फ इसमें लगाऊंगा बादाम। और ये देखिए कितना अच्छा रंग इसका आया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है एकदम सिंपल से। और मसाले भी हमने बहुत कम इसमें डाले हैं। तो ये बननी है हेल्दी रेसिपी। तो इसी तरह की बेहतरीन रेसिपी देखते रहें। धन्यवाद।